गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करेंगे। हमने इसमें केमिकल चेंज तक पढ़ लिया था यहाँ तक। अब हमें पढ़ना है सम मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कुछ और एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे फर्स्ट एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स इज़ अ केमिकल चेंज। सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस। अगर पटाखों को हम जलाते हैं तो इससे क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। वो जो फटता है फायर क्रैकर पटाखे, तो इसमें केमिकल चेंज होता है जिसकी वजह से लाइट, साउंड और गैस निकलती है। फिर देखो सेकंड, चेंज इन कलर ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन कीपिंग इन एयर इज़ अ केमिकल चेंज। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काट कर ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे, When we cut an apple and keep it in open for some time, the color of the apple changes to brown. It is due to the formation of new substances by the action of oxygen on the acid present in the apple. Similarly, the cut surface of a brinjal or potato turns black on keeping in air for some time due to a chemical change. तो अगर आप सेब को काट कर ऐसे ही खुले में छोड़ दोगे थोड़ी देर, तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। वो इस तरीके का, इससे इसमें चेंज हो जाएगा। और ये क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा जो कि हवा में प्रेजेंट है, और इसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक लेयर बना देगा। इसी वजह से ये ब्राउन कलर का हो जाता है। और वैसे ही अगर आप ब्रिंजल या पोटैटो वेजिटेबल्स में थोड़ी देर काट के हवा में छोड़ दोगे, तो उस पर ब्लैक कलर की लेयर आ जाएगी, क्योंकि उनमें जो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट है वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए लेयर बन जाती है। तो इसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज क्यों कहेंगे? अगर मान लो इसको हमने इसकी ऐसे हो गया ये ब्राउन कलर का, तो क्या हम इसको वाइट कर सकते हैं वापस से? नहीं कर सकते। इसको हमें कट करना पड़ेगा ये पार्ट, तब जाके ये वाइट कलर का निकलेगा अंदर से, है ना? तो इसलिए केमिकल चेंज है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। थर्ड देखो, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। खाना का पचना भी एक केमिकल चेंज है। इट इन्वॉल्व्स एक्शन ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स ऑन फूड दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिंपलर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो जो खाने का पचने का जो प्रोसेस है वो भी एक केमिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एसिड्स और एंजाइम्स के एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, वो उस पर वर्क करते हैं फूड पर। इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल में चेंज होता है, और हैविंग डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़, और उन सबका डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर बन जाता है और प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है? फिर आगे देखो, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीज का उगना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेस्पायर करना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने का ख़राब होना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, कैरोसिन, एलपीजी एंड पेट्रोल, बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, वैक्स कैंडल एंड इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। तो देखो, बीज का उगना, खाने का पकना, हमारा सांस लेना, दूध का दही में कन्वर्ट होना, खाने का ख़राब होना, फॉसिल फ्यूल्स का जलना, एलपीजी वगैरह, पेट्रोल और सूखी पत्तियों का जलाना, मोमबत्ती को जलाना या अगरबत्ती को जलाना, ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। या फिर लोहे में जंग लग जाना। तो क्या हम इसको वापस से वैसा कर सकते हैं जैसा ये पहले थी? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए केमिकल चेंज है। यानी जो इरिवर्सिबल चेंज होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते वापस से वैसा जैसा वो पहले था, तो उसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके केमिकल चेंज के। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।